हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ख्वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। और होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और गुलशन इकबाल में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और जो है मैं आज आया हुआ हूँ बेसिकली, जैसे कि मैंने कहा मैं गुलशन इकबाल में हूँ और काफ़ी बारिश का मौसम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बारबेक्यू प्लेटर ट्राई किया जाए। और जैसे कि आपको पता है कि मैं बारबेक्यू प्लेटर का काफ़ी फैन हूँ और मुख्तलिफ जगहों का बारबेक्यू प्लेटर ट्राई करता हूँ, उसमें मेरा बना आपने वीडियो भी देखी होगी अलविदा की, तो मैंने आज सोचा क्यों ना उसके बराबर में बिल्कुल ही, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे कि उसके बिल्कुल ही बराबर में है अरबन तड़का। आपने गुलशन इकबाल में बहुत दफ़ा इसका नाम भी सुना होगा, तो मैंने आज सोचा है कि अरबन तड़का, जैसे कि आप पीछे मेरे देख ही सकते हैं कि अरबन तड़का का बारबेक्यू प्लेटर जो इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, क्यों ना वो ट्राई किया जाए और इस बारिश के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। तो आए इसको ट्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। आगे वीडियो को देखते रहें ताकि आपको पता चले कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, वो उसका भी मैं आपको रिव्यू दूँगा। तो व्यूअर्स, ये बारबेक्यू प्लेटर आ गया है। हमने हाफ मंगाया था क्योंकि हम लोग दो लोग आए थे यहाँ पे, तो इन्होंने साथ में एक ये चटनी दी है मुझे और एक ये रेड चटनी दी है। तो बारबेक्यू प्लेटर ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कि ये कैसा है और इसमें क्या क्या मौजूद है। तो व्यूअर्स, ये हमने इसको अनकवर कर दिया है, इसका फॉइल जो भी था वो हमने इसको हटा दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे आइटम्स मौजूद हैं विद राइस, जैसा कि आपने मेरा अलविदा का ब्लॉग भी देखा होगा। तो इसके अंदर बेसिकली हमने इनसे पूछा तो ये इन्होंने दिया है तुर्किश कबाब, जो कि दिखने में बहुत यमी लग रहा है, अभी मैंने ट्राई नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने कोई शीश बोटियाँ भी इसमें ऐड की हैं, जो कि अलविदा में शीश बोटियाँ नहीं थी, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली मलाई बोटी थी एंड उसमें चिकन बोटी थी। तो ये इसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं और इसको एडवांस किया है। और इसके अलावा ये आपकी मलाई बोटी है जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है और मज़ेदार लग रही है, ये तो मैं आपको खा के बताऊँगा कि कैसी थी। और ये इन्होंने एक चिली भी रखी है जो कि रोस्टेड है, और ये एक रोस्टेड टमाटर भी है, टोमेटो भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है अभी प्रेजेंटेशन में। अब टेस्ट में कैसा है ये तो मैं आपको खा के ही बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहिएगा। मलाई बोटी,
रोटी काफ़ी क्रीमी है और काफ़ी स्पाइसी भी है, क्योंकि इसमें जो टेस्ट आ रहा है वो बेसिकली जो चटनी है वो ज़्यादा टेस्ट कर रही है राइस। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो व्यूअर्स, अब मैं सीख कबाब ट्राई कर रहा हूँ जो कि तुर्किश कबाब बेसिकली, तो ये भी अच्छा लग रहा है दिखने में, तो ट्राई करके देखते हैं। ये भी इतना स्पाइसी नहीं है जितना होता है, वैसे भी तुर्किश कबाब इतना ज़्यादा स्पाइसी होता नहीं है, और इस पर जो क्रीम है वो भी है अपना टेस्ट के लिए। तो मैं आपको बोटी, चिकन बोटी ट्राई करके बताता हूँ, तो आए चिकन बोटी ट्राई करते हैं। चिकन भी बोटी भी इक्वली गुड है जिस तरह से तुर्किश कबाब हैं या फिर मलाई बोटी है, उस तरह से चिकन बोटी भी इनकी इक्वली गुड है, जो कि मेरे ख्याल में चिकन बोटी की शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन दो तीन तरह की जैसे बोटियाँ मैंने आपको शुरू में दिखाई थी इक्वली गुड है वो भी। तो मुझे खाना ट्राई करने में और वीडियो को इन्जॉय करें। तो व्यूअर्स, हमने फ्रेश लाइम भी मंगा लिया है और फ्रेश लाइम भी आ चुका है जो कि ठंडा ठार है और पीने में भी होपफुली अच्छा ही होगा जैसे कि हर जगह होता है, जो कि इतना उसमें कुछ फैंसी होता नहीं है वैसे। तो आपको ट्राई करके ये भी बताते हैं कि ये कैसा था। अच्छा, तो व्यूअर्स, हमने बारबेक्यू प्लेटर तो ट्राई कर लिया है और ओवरऑल अच्छा था, बट अगर रेटिंग की बात करें तो एम्बियंस को मैं दूंगा कोई इतनी ज़्यादा ख़ास थी नहीं, क्योंकि तो उसमें एम्बियंस को आप दे लें कि 7 out of 6 कर लें तो बेहतर होगा। फूड भी उतना नहीं था जितना अलविका का है बेसिकली, क्योंकि अलविका का ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा आइटम्स भी हैं और वो ज़्यादा यमी भी है। तो फूड आप ये कह सकते हैं कि अगेन 7, एंड सर्विस अच्छी थी, सर्विस अच्छी थी, वेटर्स ने टाइम पर सर्व किया, ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा। तो सर्विस आप कह सकते हैं कि 8 to 9, एंड क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी, क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी थी एज़ कम्पेयर टू अलविदा ख़ास तौर पे। तो ओवरऑल फूड सही था, क्वांटिटी को आप 9 दे दें तो अच्छा होगा। तो ओवरऑल हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्लेटर का अगर मैं कहूँ ओवरऑल तो एवरेज था, इतना उसके कंपेरेटिव अगर आप करेंगे तो फिर आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। टिल देन, गुड बाय और अल्लाह हाफिज़।